हिंदू धर्म में पत्नी को पति की अर्धांगनी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि पत्नी पति के शरीर का आधा अंग होती है। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा है कि पत्नी को सदैव प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि उसी से वंश की वृद्धि होती है। इसके अलावा भी अनेक ग्रंथों में पत्नी के गुण व अवगुणों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। गरुड़ पुराण में भी पत्नी के कुछ गुणों के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार जिस व्यक्ति की पत्नी में ये चार गुण होते हैं, उसे स्वयं को देवराज इंद्र यानी भाग्यशाली समझना चाहिए। ये गुण इस प्रकार हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक दिली गुजारिश करता हूँ कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आपको जो बाजू में बेल आइकन दिखे उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सा भार्या या ग्रहे दक्षा सा भार्या या प्रियंवदा, सा भार्या या पति प्राणा सा भार्या या पतिव्रता। अर्थात जो पत्नी ग्रह कार्य में दक्ष है, जो प्रियवादिनी है, जिसके पति ही प्राण है और जो पति परायणा है, वास्तव में वही पत्नी है। ग्रह कार्य में दक्ष यानी घर संभालने वाली, ग्रह कार्य यानी घर के काम, जो पत्नी घर के सभी कार्य जैसे भोजन बनाना, साफ सफाई करना, घर को सजाना, कपड़े बर्तन आदि साफ करना, बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से निभाना, घर आए अतिथियों का मान सम्मान करना, कम संसाधनों में ही गृहस्थी चलाना आदि कार्यों में निपुण होती है, उसे ही गृह कार्य में दक्ष माना जाता है। ये गुण जिस पत्नी में होते हैं वो अपने पति की प्रिय होती है। प्रिय वादिनी यानी मीठा बोलने वाली पत्नी को सदैव अपने पति से संयमित भाषा में ही बात करना चाहिए। संयमित भाषा यानी धीरे धीरे व प्रेम पूर्वक। पत्नी द्वारा इस प्रकार से बात करने पर पति भी उसकी बात को ध्यान से सुनता है व उसकी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करता है। पति के अलावा पत्नी को घर के अन्य सदस्यों जैसे सास ससुर, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, ननद आदि से प्रेम पूर्वक ही बात करनी चाहिए। बोलने के सही तरीके से ही पत्नी अपने पति व परिवार के अन्य सदस्यों के मन में अपने प्रति स्नेह पैदा कर सकती है। पति परायणा यानी पति की हर बात मानने वाली, जो पत्नी अपने पति को ही सदैव मानती है तथा सदैव उसी के आदेश का पालन करती है, उसे ही धर्म ग्रंथों में पतिव्रता कहा जाता है। पतिव्रता पत्नी सदैव अपने पति की सेवा में लगी रहती है, भूलकर भी कभी पति का दिल दुखाने वाली बात नहीं करती। यदि पति को कोई दुख की बात बतानी हो तो भी वो पूर्ण संयमित होकर कहती है, हर प्रकार से पति को प्रसन्न रखने का प्रयास करती है। पति के अलावा वो कभी भी किसी अन्य पुरुष के बारे में नहीं सोचती। धर्म ग्रंथों में ऐसी ही पत्नी को पति परायणा कहा जाता है। धर्म का पालन करने वाली एक पत्नी का सबसे पहले यही धर्म होता है कि वो अपने पति व परिवार के हित में सोचे। वह ऐसा कोई काम ना करे जिससे पति या परिवार का अहित हो। गरुड़ पुराण के अनुसार जो पत्नी प्रतिदिन स्नान कर पति के लिए सजती सवरती है, कम बोलती है और सभी मंगल चिन्हों से युक्त है, जो निरंतर अपने धर्म का पालन करती है एवं अपने पति को प्रेम करती है, उसे ही सच्चे अर्थों में पत्नी मानना चाहिए। जिसकी पत्नी में ये सभी गुण हो, उसे स्वयं को देवराज इंद्र ही समझना चाहिए।